Dear students, today we are going to start new chapter, chapter number 10, the desert region. यानी कि आज हम जो है रेगिस्तानी क्षेत्रों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. डेजर्ट यानी कि नाम सुनते ही रेतीले स्थान के बारे में याद आ रही है. इंडिया में देखा जाए तो अगर देखा जाए डेजर्ट एरिया तो राजस्थान एक ही स्टेट है, राजस्थान जहाँ पे अधिक से अधिक जो है 90% जो है डेजर्ट एरिया है. डेजर्ट कवर अबाउट 1/5 ऑफ द अर्थ लैंड एरिया, यानी कि पृथ्वी का लगभग एक तिहाई यानी कि 1/3 एरिया जो है आपका कौन सा है, डेजर्ट है, यानी कि रेगिस्तानी एरिया है. ठीक है. मोस्ट ऑफ देम सेंटर अराउंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. और ये है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अधिकतर जो डेजर्ट एरिया है 1/3 वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा और मकर रेखा इन्हीं के बीच में आपको जो है रेगिस्तानी क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे. ए डेजर्ट कैन बी डिफाइंड एज एन एरिया वेयर देयर इज ए वेरी स्केंटी रेनफॉल एंड द वेजिटेशन इज वेरी लिटिल, यानी कि जो डेजर्ट एरिया होता है वहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है और प्राकृतिक वनस्पतियों का भी जो है बहुत ज्यादा जो है स्थान नहीं रहता, बहुत कम ही जो है प्राकृतिक वनस्पतियाँ होती हैं. इट मे बी हॉट और कोल्ड बट रिमेन वेरी ड्राई एंड ऑलमोस्ट बैरन, यानी कि ये बहुत ही गर्म स्थान होता है और रात का समय बहुत ठंडा होता है बट रिमेन वेरी ड्राई एंड ऑलमोस्ट बैरन. अब बंजर भूमि होती है, यहाँ ज्यादा कल्टिवेशन नहीं होते हैं, शुष्क जमीन होती है. तो मेजर डेजर्ट कौन कौन से हैं पूरे वर्ल्ड में इसके बारे में हम देखते हैं. द लार्जेस्ट डेजर्ट लाइक द सहारा इन नॉर्थ अफ्रीका. नॉर्थ अफ्रीका में विश्व का सबसे बड़ा जो है डेजर्ट है सहारा. ठीक है, सहारा क्या ये नॉर्थ अफ्रीका में है. द कोलोराइडो डेजर्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका में जो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है रेगिस्तान एरिया कौन सा है, सहारा. कहाँ मिलेगा, नॉर्थ अफ्रीका में. इस तरह के क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं, थोड़ा सा पॉइंट को नोट कीजिए. इसके अलावा कुछ अन्य रेगिस्तानी एरिया है, अगर देखा जाए कोलोराइडो डेजर्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, अरबियन डेजर्ट इन अरबियन पेनिनसुला, गोबी डेजर्ट इन चाइना, चाइना में कौन सी डेजर्ट है, गोबी. हाँ, एंड द थार डेजर्ट इन इंडिया. और इंडिया में अगर देखा जाए तो इंडिया में कौन सा डेजर्ट होगा आपका, थार. ठीक है, ये दो जो है इंपॉर्टेंट है आपके. ये सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, तो सहारा नॉर्थ अफ्रीका में है. इंडिया में कौन सा डेजर्ट है भारत में, तो थार है. ठीक है, और थार जो डेजर्ट है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है. दक्षिणी हेमिस्फीयर में देखा जाए साउथर्न हेमिस्फीयर में तो अटाकामा डेजर्ट इन दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में जो है अटाकामा है. कालाहारी डेजर्ट ये भी साउथ अफ्रीका में है. एंड ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है. तो ये रहे विश्व की जो है डेजर्ट एरिया जिसके बारे में हमने आपको भी जानकारी दी. अब हम आपको जो है इसके बारे में आगे बता रहे हैं कि लैंड और लोकेशन जो इनके कौन से जमीन है और क्षेत्र क्या है. तो सऊदी अरेबिया में देखेंगे, सऊदी अरेबिया में तो यहाँ वेस्टर्न ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट एट जंक्शन ऑफ द यूरोप एशियन एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. सम ऑफ द प्रोमिनेंट नेबरिंग कंट्री इज जॉर्डन, इराक, कुवैत, कतर, यमन, ओमान, बहरीन. ये सब जो है गल्फ कंट्री है, ये सब खाड़ी देश है जो भारत के पश्चिम देशों पश्चिम में है. ठीक है, इसलिए पश्चिमी देश भी कहते हैं. इसमें सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा, पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा देश सऊदी अरेबिया है. ठीक है, यहाँ पे 3/4 अरेबियन पेनिनसुला. इट हैज द रेड सी एंड गल्फ ऑफ अकबाबा इकुबाबा ऑन द वेस्ट एंड द पेनिसियन गल्फ ऑन द ईस्ट. मोस्ट ऑफ इट्स ऑयल रिच रीजन लाइक द ईस्टर्न पार्ट अराउंड द पर्सियन गल्फ. और जो सऊदी अरेबिया है जो गल्फ कंट्री है पर्सियन कंट्री, तो यहाँ पे अधिकतर देशों में इन देशों में जो है पेट्रोलियम के ज़्यादा प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं. ठीक है, ऑयल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ऑयल रिच रीजन कहा जाता है इसे. ठीक है, तेल का कुआं भी कहा जाता है विश्व में इसे. द कंट्री हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट स्ट्रेच ऑफ ड्राई एंड सैंडी डेजर्ट. इट इज नोन एज रूब अल कहानी या इसे इंपेटी कटर कहते हैं. विश्व का सबसे बड़ा जो है देखा जाए लार्जेस्ट ड्राई एंड सैंडी डेजर्ट, शुष्क और सूखा, शुष्क माने सूखा ड्राई और सैंडी रेगिस्तानी जो डेजर्ट है जिसे रूब अल कहानी कहा जाता है. ठीक है, या इसका एक और निकनेम है इंपिटी कतर. सऊदी अरेबिया जो है रग्ड इज रग्ड एंड माउंटेनियस ऑन द वेस्टर्न कोस्ट. सर्टेन ईस्टर्न एंड सऊदी अरेबिया
कंसिस्ट ऑफ मेनली प्लेटू एंड डेजर्ट। यहाँ पर अधिकतर पठार है, रेगिस्तान है, ठीक है, नदियों का जाल कम है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे इन सम पार्ट अंडरग्राउंड वाटर सम कम टू द सरफेस फॉर्मिंग वाटर बॉडीज का ओएसिस। रेगिस्तानी एरिया में, ठीक है, चारों तरफ रेगिस्तान है और इसके बीच में कहीं आपको अगर पानी की मात्रा मिल जाए तो उसे हम कहते हैं रेगिस्तानी एरिया में। चारों तरफ रेगिस्तान है और बीच में जो वाटर है, इस वाटर लेवल को, इस वाटर का जो एरिया है, जो जल का क्षेत्र है, उसे हम ओएसिस के नाम से कहते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम आते हैं कि ओएसिस क्या है। तो ओएसिस का मतलब है कि रेगिस्तानी एरिया में, डेजर्ट एरिया में, जहाँ कहीं थोड़ा बहुत जलाशय हो, ठीक है, पानी का क्षेत्र हो, उसे ओएसिस कहते हैं, ठीक है। दीज आर द ओनली फर्टाइल पार्ट इन द डेजर्ट। और फिर रेगिस्तानी एरिया में यहीं पर केवल जमीन उपजाऊ देखने को मिलती है। क्लाइमेट देखा जाए तो क्लाइमेट में यानी जलवायु में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सऊदी अरेबिया, यानी कि सऊदी अरेबिया के सेंटर में कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास गुजरता है। मोस्ट पार्ट ऑफ द सऊदी अरेबिया एक्सपीरियंस एक्सट्रीम हीट एंड ड्राउट। और अधिकतर यहाँ पर गर्मी ज्यादा होती है, सूखा क्षेत्र है और विश्व में से तापमान जो है लगभग यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान होता है, बहुत ज्यादा। विंटर आर एक्सट्रीमली कोल्ड एंड समटाइम्स टेंपरेचर गोज बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। जिस तरह से गर्मी होती है उस तरह से सऊदी अरेबिया में ठंडी भी ज्यादा होती है, कभी कभी टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी चला जाता है, ठीक है, जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है उससे भी नीचे। तो इस तरह से दिन का समय गर्म होता है, रात को थोड़ा मौसम ठंडा हो जाता है और इस तरह से यहाँ पे मिली जुली जलवायु देखने को मिलती है। और रेगिस्तानी एरिया में दे ब्लो अवे सैंड फ्रॉम वन प्लेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर्मिंग सैंड हिल्स नोन एज सैंड ड्यून्स। इंपॉर्टेंट है सैंड ड्यून्स किसे कहते हैं, तो मान लीजिए रेत का टीला है ये और ये हवाएं जब आती हैं तो इस रेत के टीलों को यहाँ से उठाकर कहीं और दूसरी जगह, ठीक है, सेटल कर देती है। तो इस जो रेत के टीले होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, रेगिस्तानी एरिया में रेत का जो हमेशा हवा से जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं उसे हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। और अक्सर आप जो है इस तरह के सैंड ड्यून्स रेगिस्तानी एरिया में देखने को मिल जाएगा। ये परमानेंट नहीं होते, एक ही जगह फिक्स नहीं होते, हमेशा मूव होते रहते हैं, ठीक है। स्केंटी ऑफ रेनफॉल इन द डेजर्ट एरिया ड्यू टू द लैक ऑफ वेजिटेशन। यहाँ पे वेजिटेशन कम है इसलिए यहाँ पर रेनफॉल यानी वर्षा की मात्रा कम होती है। रही बात वेजिटेशन की यानी प्राकृतिक वनस्पतियों की, तो यहाँ पे कंटीली झाड़ियों वाले जो है पेड़ पौधे मिलते हैं, हार्ड ग्रासेस, कैक्टस, थॉर्नी बुशेस, सर्प्स, इस तरह के। और जो ग्रासेस होती हैं या जो सर्प्स होते हैं उनकी रूट्स काफी लंबी होती है क्योंकि उनको पानी एब्जॉर्ब करना होता है, तो बहुत दूर तक जो है उनकी रूट्स जो है लंबी होती है। इसी कारण से बबूल के या आपके बेल के या कैक्टस के जो प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स नीचे तक जाती है क्योंकि रूट्स को पानी एब्जॉर्ब थोड़ा बहुत मिलना होता है तो बहुत नीचे तक उनको गहराई तक ले जाना होता है, तो इसी कारण से। और डेट पाल्म एंड ग्रोन इन द अराउंड द ओएसिस, और जहाँ ओएसिस होते हैं ओएसिस आपको हमने बता दिया कि रेगिस्तानी एरिया में जहाँ कहीं पानी का हिस्सा हो, जलाशय हो, उसे ओएसिस कहते हैं। और यहाँ पर खजूर के पेड़, किसके पेड़, डेट सन खजूर के पेड़ देखने को मिलते हैं। एनिमल अगर देखा जाए तो एनिमल लाइफ इन डेजर्ट एरिया रिडक्शन को विद द लैक ऑफ वाटर एक्सट्रीम, वही एनिमल वहाँ पर जीवित रह सकते हैं जो पानी के बिना सर्वाइव हो सके, पानी कम मात्रा में पिए लेकिन वहाँ पर जिंदा रहें। तो ऐसे में क्योंकि वहाँ फूड की शॉर्टेज है, वाटर की शॉर्टेज है, तो इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे इंडिया में कैमल कह सकते हैं, रेगिस्तानी एरिया में कैमल ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और टू अवॉइड हीट मैनी ऑफ देम ब्यूरो बेल्ट एंड सरफेस हाइट सेट ऑफ ड्यूरिंग द डे। ये लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं अपने हर्ड्स के साथ में, अपने कैमल के साथ में। मोस्ट डेजर्ट एनिमल आर स्मॉल, और अधिकतर जो है रेगिस्तानी एरिया के जो जानवर होते हैं वो छोटे होते हैं। हाँ, कुछ दूसरे देशों में जो होते हैं जहाँ ऊँच नहीं मिलते वहाँ पर छोटे छोटे जानवर मिलते हैं। दे डू नॉट हैव ए ड्रिंक वाटर एट ऑल, वाटर दे नीड फ्रॉम देयर फूड। द एनिमल्स फाउंड इन सऊदी अरेबिया इज आर डिफरेंट टाइप्स, और सऊदी अरेबिया में जो एनिमल मिलते हैं वो अन्य क्षेत्रों से थोड़ा सा अलग होते हैं। स्विफ्ट रनर्स, इसमें कुछ नाम बता रहे हैं, जैकल्स, फॉक्सेस, ये सब जो है डेजर्ट एरिया में काफी देखने को मिलते हैं। अरबियन हॉर्सेस यानी कि अरब के जो घोड़े होते हैं वो बहुत ही फेमस हैं। स्नेक्स और स्कॉर्पियो, यानी कि अगर देखा जाए तो बिच्छू और आपके जो जहरीले सांप हैं ये डेजर्ट एरिया में जो है बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं।
एनिमल में जो है भारत में देखा जाए तो ऊंट को जो है सीप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है ऊंट ही वहाँ पे भारत में मिलते हैं, जहाँ पर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जो है जो आपके लगेज हैं, जो आपका जो मटेरियल है, जो प्रोडक्ट है, वो एक तरह से सप्लाई का भी काम करते हैं होने का। नेटिव एनिमल अगर देखा जाए पालतू जानवर, तो इसमें जो है वॉल्फ, वाइल्ड कैट्स, इबेक्स, हैंस, ये माउंटेनियस हाइलैंड्स, ये सब के जानवर आ जाते हैं। पीगन, बस्टर्ड अराउंड द ओशेस, जो ओशेस है, जो मरुद्यान है, ओशेस को हिंदी में मरुद्यान कहते हैं, जहाँ पर पानी मिलता है वहाँ पर जो है इस तरह के छोटे मोटे जानवर देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर लोगों की जीवन रेखा कैसी है, तो सैंड स्टॉर्म नोन एज सीमून, द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन, सेवरल कोल्ड वेदर एंड स्कार्सिटी ऑफ वाटर मेक द लाइफ ऑफ द पीपल मिजरेबल। सैंड स्टॉर्म नोन एज सीमून दैट ग्लो इन समर आल्सो अफेक्ट द लाइफ ऑफ पीपल, गर्मियों में धूल भरी आंधियां चलती है, शुष्क मौसम होता है, लोगों की जीवन बहुत ही दयनीय हो जाती है, तो जो बड़े बहुत तेज आंधी धूल भरी चलती है जिसे सीमून कहते हैं, ठीक है, जिससे लोगों का जीवन प्रभावित होता है और यहाँ की एक लाइफ स्टाइल भी चेंज हो जाती है। यहाँ के लोग जो है नोमैडिक होते हैं, नोमैडिक मतलब घुमंतू, जो एक जगह टिक कर रहते हैं, हमेशा जो है चाय की तलाश में, जानवरों के साथ, या भोजन की तलाश में, या पानी की तलाश में, हाँ वाटर की सर्च में, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। दे नोन एज बेडुइंस, इसको क्या कहते हैं, बेडुइंस कहते हैं, जो नोमैडिक हर्डर्स होते हैं उसे बेडुइंस कहते हैं। और दे कीप हर्ड्स ऑफ कैमल, गोट, सीप, हॉर्सेस, ये जानवरों के नाम है जिसका वो जो है पशुपालन करते हैं, इस इनसे उनको क्या मिलता है। दीज एनिमल प्रोवाइड देम विद मिल्क, मीट, हाइड एंड स्किन, उनकी खाल से लेके उनके दूध, उनका उनसे मीट, उन्हीं उनसे एक तरह से घर के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से जो है ये जो है इनका कारवा एक जगह से दूसरी जगह ऊँटों के साथ चलता रहता है, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ पीपल मूविंग अलोंग कैमल्स इज नोन एज कारवा, उनको हम क्या कहते हैं, कारवा कहते हैं। ये इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बेडुइंस वेयर लॉन्ग लूज वाइट कॉटन क्लॉथ्स ग्रोन कॉल्ड थॉब, लंबे जो है ठीक है कोट की तरह जो है वो पोशाक पहनते हैं सफेद रंग का, जिसे थॉब कहते हैं, जो पूरी बॉडी को ढकी रहती है ताकि धूल भरी आंधी उनके बॉडी को ना टच कर पाए और वो अपने को प्रोटेक्ट कर पाए। सेटल कल्टिवेटर, सऊदी अरेबिया में देखा गया तो वहाँ पर जो है लाइफ जो है नोमैडिक नहीं होती, यानी घूमने वाली नहीं होती, वहाँ पर लोग जो है सेटल होते हैं, सेटल लाइफ की स्थिर जिंदगी होती है। गेहूँ, चावल, मक्का, कपास, गन्ना, इस सब्जी, फल फूल, इस सब की खेती करते हैं। इसके अलावा खजूर, डेट पाम्स, ठीक है, इनकी भी खेती करते हैं और पेड़ पौधे लगाते हैं। और यहाँ पर जो लाइफ है उनकी ये इन्हीं सब चीज़ों पर डिपेंड है। और मस्जिदों में जो है हर एक मार्केट के बीच में मस्जिद मिलेगा, मस्जिद में जो है वो अपने जो है धार्मिक शिक्षा देते हैं। तो ये इनकी लाइफ है सऊदी अरेबिया की। सिटी ड्वेलर्स, अब हम आते हैं सिटी ड्वेलर्स के बारे में, जो शहर में रहने वाले लोग हैं। तो सऊदी अरेबिया में जो हैज रिच डिपॉजिट ऑफ मिनरल लाइक गोल्ड, यहाँ सोना, चांदी, कॉपर, जिंक, लीड, आयरन, इस तरह के खनिज पदार्थ हैं। इसके अलावा जो है पेट्रोलियम भी मिलता है। द डिस्कवरी ऑफ पेट्रोलियम इन सऊदी अरेबिया हैज चेंज द कंट्री ड्रेस्टिकली, और जब से पेट्रोलियम वहाँ पर मिला शुरू तब से वहाँ की जिंदगी लोगों की, शहर में रहने वाले लोगों की बदल गई है, क्योंकि पेट्रोलियम को गोल्ड के रूप में भी देखा जाता है, सोने से भी ज़्यादा महंगा माना जाता है। और रिचेस्ट कंट्री है, लार्जेस्ट पेट्रोलियम डिपॉजिट इन द वर्ल्ड इज नाउ वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इज सऊदी अरेबिया। पेट्रोलियम इज नोन एज लिक्विड गोल्ड, इसलिए इसको लिक्विड गोल्ड कहा जाता है, यानी कि ये तरल सोना है, तरल सोना पर इसकी कीमत जो है बहुत ज़्यादा होती है और पूरे वर्ल्ड में इसकी डिमांड है। और इसी का बाई प्रोडक्ट क्या बना हुआ है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब जो है 1937 में जो है लार्ज ऑयल रिजर्व एरिया जो है यहाँ पे रिहान इन सऊदी अरेबिया में मिला, वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, एक्सपोर्टर ऑफ द ऑयल, यानी सबसे बड़ा जो है निर्यातक है, यहीं से सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट होता है। और यहाँ पर कह सकते हैं कि इंडिया के साथ भी सऊदी अरेबिया के रिलेशन अच्छे हैं। और यहाँ पर जो कार्गो और टैंकर वेसल्स, पैसेंजर और फिशिंग बोट्स, ये सब जो है इस ओशियन एरिया में लगे रहते हैं। और खासकर जो है रेड सी, यानी कि लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में जो है स्वेज कनाल है, इनसे जो है काफ़ी इनको मदद मिलती है।
इसके अलावा यहाँ पे मॉडर्न सिटी में आपको जो है स्कूल, हॉस्पिटल, इंडस्ट्री, मार्केट, ये सब आपको देखने को मिलेगा। मेनी पीपल फ्रॉम विलेज हैव सेटल्ड इन दिस सिटी, और गांव से शहर आने पर कई लोग यहाँ सेटल हो गए हैं। सऊदी अरेबिया में जो ग्रामीण क्षेत्र में थे वो शहर में बस गए हैं। रियाद द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया, यहाँ की सऊदी अरेबिया की कैपिटल कौन सी है? रियाद। और अरबिका इज मेजर कोस्टल सिटी, अरबिया का सबसे मुख्य जो है सऊदी अरब का सबसे मुख्य सिटी कौन सा है? तो यहाँ पे जिद्दा, जिद्दा जो है यहाँ पे मुख्य सिटी है। ये समुद्र का बंदरगाह वाला क्षेत्र है। यहाँ पे सऊदी अरबिया जो है खासकर जो है ऑयल के लिए फेमस है, ऑयल एक्सपोर्टर कंट्री है। यहाँ की रिलीजन और कल्चर देखा जाए तो मक्का और मदीना जो है मुस्लिम का बहुत तीर्थ स्थान, बहुत पवित्र माना जाता है। और अल अर्दा द कंट्री नेशनल डांस, यहाँ का नेशनल डांस क्या है? अल अर्दा है, ठीक है। और लैंग्वेज देखी जाए सऊदी अरेबिया की, तो यहाँ की सऊदी अरेबिया की लैंग्वेज कौन सी है? तो अरबिक लैंग्वेज है। मुख्य भाषा कौन सी है? तो अरबिक है, ठीक है। तो मुस्लिम संप्रदाय से में बहुत ही इसको बहुत महत्व दिया जाता है। कुरान यहाँ की जो है मुख्य की जो है किताब मानी जाती है। तो इस तरह से हमने जो है आपको ये लेसन पढ़ाया कि डेजर्ट्स के बारे में, कौन कौन से कंट्री डेजर्ट्स वाले हैं, यानी रेगिस्तान वाले हैं, और वहाँ के लोगों का रहन सहन क्या है।